गुजरात के चार खिलाड़ी सीएसके का बिगाड़ सकते हैं खेल, ऋतुराज को रहना होगा अलर्ट। इन चारों ने अपने दम पर पहले ही मैच में मुंबई इंडियंस का कर दिया था खेल खत्म। अब धोनी के साथ मिलकर ऋतुराज को इन चारों के लिए बनाना होगा तगड़ा प्लान। आईपीएल का सातवां मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स और गुजरात टाइटंस के बीच आज चिदम्बरम स्टेडियम में खेला जाएगा। दोनों ही टीमें अपना अपना पहला मैच जीतकर यहां पहुंची हैं। चेन्नई भले ही अपने घर में मुकाबला खेलेगी, लेकिन गुजरात के चार खिलाड़ी ऐसे हैं जो सीएसके को हार का मुंह दिखा सकते हैं। ये चारों वही खिलाड़ी हैं जिन्होंने पहले ही मैच में मुंबई इंडियंस का खेल खत्म कर दिया था। तो चलिए जानते हैं कौन है ये चार खिलाड़ी। नंबर एक शुभमन गिल। गुजरात टाइटंस टीम के नए कप्तान शुभमन गिल खूंखार बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। वो टीम के लिए ओपन करते हुए कई बार घातक साबित हुए हैं। ऐसे में अगर चेन्नई के खिलाफ शुभमन का बल्ला चल गया तो गेंदबाजों की खैर नहीं। शुभमन के नाम आईपीएल में 3 शतक भी हैं जो उन्होंने पिछले सीजन बनाई थी। शुभमन का चेन्नई के खिलाफ 63 रन सर्वाधिक स्कोर है। उन्होंने कुल 5 मैचों में 162 रन इस टीम के खिलाफ बनाए हैं। नंबर दो मोहित शर्मा। तेज गेंदबाज मोहित शर्मा भी चेन्नई के मैच जीतने के इरादे को ध्वस्त कर देंगे। मोहित शर्मा डेथ ओवरों में शानदार गेंदबाजी के लिए माहिर हैं। मुंबई के खिलाफ मैच में मोहित ने 16वें और 18वें ओवर में शानदार गेंदबाजी करते हुए 2 विकेट लिए थे। उन्होंने सेट बल्लेबाज रोहित शर्मा और बड़े बड़े शॉट्स लगाने में माहिर टिम डेविड को अपना शिकार बना लिया था और गुजरात के मैच में वापसी कराई थी। नंबर तीन साई सुदर्शन। युवा बल्लेबाज साई सुदर्शन भी चेन्नई सुपर किंग्स के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। सुदर्शन ने पिछले साल चेन्नई के खिलाफ ही खेलते हुए आईपीएल फाइनल में सिर्फ 47 गेंदों में 96 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेलकर टीम को 214 रनों के बड़े स्कोर तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभा दी थी। इसके अलावा उन्होंने आईपीएल 2023 के 8 मैचों में 362 रन भी ठोक डाले थे। ऐसे में चेन्नई के खिलाफ भी उनका बल्ला आग उगल सकता है। नंबर चार राशिद खान। दुनिया के बेहतरीन T20 गेंदबाजों में से एक लेग स्पिनर राशिद खान की कला से हर कोई वाकिफ है। वो मुश्किल समय में टीम को विकेट निकाल कर देते हैं। आईपीएल 2023 में उन्होंने शानदार प्रदर्शन करते हुए 27 बल्लेबाजों को आउट किया था। हालांकि मुंबई के खिलाफ मौजूदा सीजन के पहले मुकाबले में उन्हें एक भी सफलता नहीं मिली थी, लेकिन चेन्नई को उन्हें कम आंकना भारी पड़ सकता है। गेंदबाजी के अलावा बड़े शॉट्स लगाने की भी अक्षमता रखते हैं। आईपीएल में दोनों टीमों का सामना अब तक 5 बार हुआ है, जिसमें गुजरात का पलड़ा भारी है। गुजरात ने 3 जबकि चेन्नई को 2 मुकाबलों में जीत मिली है। हालांकि आखिरी मुकाबले की बात करें तो दोनों टीमें आईपीएल 2023 के फाइनल मुकाबले में भिड़ी थी, जिसमें गुजरात को हार का सामना करना पड़ा था। इस बार दोनों टीमें नए कप्तानों के साथ खेल रही हैं। गुजरात की कप्तानी शुभमन तो चेन्नई की कप्तानी ऋतुराज के हाथों में है। ऋतुराज गायकवाड़ ने कप्तान के तौर पर आईपीएल में धमाकेदार शुरुआत की है। ऋतुराज की कप्तानी में सीएसके ने पहला मुकाबला आरसीबी के खिलाफ खेला था। इस मैच में टीम को जीत मिली थी, लेकिन अब उसके सामने गुजरात टाइटंस की चुनौती रहने वाली है। सीएसके की टीम ने गुजरात टाइटंस को आईपीएल के ग्रुप स्टेज में अभी तक 1 बार भी नहीं हराया। ऐसे में ऋतुराज को आज जीत हासिल करनी ही होगी तो उन्हें रिकॉर्ड भी बदलना होगा। चेन्नई सुपर किंग्स और गुजरात टाइटंस के बीच अभी तक 5 मुकाबले खेले गए हैं, जिनमें से चेन्नई ने 2 मैच जीते हैं। वहीं 3 मुकाबलों में गुजरात ने बाजी मारी है। तो अब देखना होगा गुजरात के 4 खिलाड़ी आज चेन्नई के खिलाफ कैसा खेल दिखाते हैं। तो आप भी इस खबर पर अपनी राय दीजिए, इस खबर को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस स्पोर्ट्स के साथ।